Hello and welcome to all to the channel JKSSB Adda 614. हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, तो जानेंगे आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में, राइट? पहले न्यूज के साथ आपको लेके चलते हैं जो कि जुड़ा है एक कैंपेन से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक कैंपेन लॉन्च किया है जिस कैंपेन का नाम है स्कैम से बचो. स्कैम से बचो एक कैंपेन लॉन्च किया है. इसे हिंदी में क्या कहेंगे? घोटालों से बचो, राइट? ये कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा ने साथ में मिलकर लॉन्च किया है. फोकस क्या रखा गया है, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, फोकस रखा गया है डिजिटल सेफ्टी. ऑनलाइन इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, तो उसे क्योर करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है. तो कौन कौन सी हमारी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, उन मिनिस्ट्रीज का नाम आपके लिए जानना जरूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तीसरी मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट. इन लोगों ने मिलकर के ये कैंपेन लॉन्च किया है ताकि डिजिटल सेफ्टी को मेंटेन किया जा सके, राइट? चलिए, तो आपको अगली न्यूज के साथ लेकर के चलते हैं जो कि जुड़ा है एक रिपोर्ट से. हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी. इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकॉनमी. मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी इकॉनमी सबसे ज्यादा फ्री है, राइट? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हांगकांग इस लिस्ट में नंबर 1 पे आ चुका है विद द स्कोर 8.58. वहीं सेकंड पे रहा सिंगापुर, सेकंड पोजीशन पे विद द स्कोर 8.55. थर्ड पे रहा स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ पे रहा न्यूजीलैंड, राइट? ये फोर्थ पे रहा. इस लिस्ट में सबसे बॉटम पे रहा है वेनेजुएला, जहाँ की इकॉनमी बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल लोएस्ट पे है विद द स्कोर 3.02. इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है? इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है, हांगकांग, आपको वो याद रखना है. सेकंड भी आप याद रख लो, सिंगापुर है. थर्ड पे स्विट्जरलैंड, लास्ट कौन है, वेनेजुएला. ये रिपोर्ट इसलिए रिलीज किया जाता है कि कहाँ पर ज्यादा ऐसे बाउंडेशंस नहीं होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा खुल करके वेलकम किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सके और इकॉनमी को बेहतर कर सके. इस वजह से ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, राइट? और फ्रेजर इंस्टीट्यूट 1970 से ये रिपोर्ट रिलीज करते आ रही है. ठीक है, तो आपको ये यहाँ से याद रखना है. चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज के साथ जो कि जुड़ा हुआ है एक AI टूल से, राइट? जो कि रिलेटेड है एक AI टूल से. हाल ही में हुआ क्या है, कर्नाटका में जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक AI टूल लॉन्च किया है. इस AI टूल का नाम क्या है, इस AI टूल का नाम है शिक्षा कॉपीलोट. ये AI टूल को लॉन्च किया है सो दैट हम एजुकेशन सिस्टम को और बेटर कर सके यहाँ पर, राइट? साथ ही में इससे टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू प्रिपेयर सिलेबस कि क्या बच्चों को पढ़ाना है. इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है टीचर को, राइट? अब कर्नाटका, आपको पता होगा, कर्नाटका को हम पहले जानते थे मैसूर के नाम से, राइट? एट प्रेजेंट इसकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया,
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, राइट? चलिए तो आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ, जो कि जुड़ा है एक मिशन से। रिसेंटली लॉन्च किया गया है मूनलाइट प्रोग्राम मिशन। तो आखिर ये मिशन लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है इसे, लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, राइट? अब मूनलाइट है तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ के लिए लॉन्च किया गया होगा। तो ये एक लूनर मिशन है जो कि जाएगा कहाँ पर? हमारे प्यारे मून पर, और उसकी स्टडी करेगा। डेटा ट्रांसफर किस तरीके से किया जा सकता है, इसे काफ़ी स्मूथली टैकल करेगा। डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है बिटवीन अर्थ एंड मून, इस चीज पे ये फोकस करेगा, राइट? तो इसका जो पहला सैटेलाइट है, टोटल 5 सैटेलाइट इसके अंडर में लॉन्च किए जाने वाले हैं। जो पहला सैटेलाइट होगा उसका तो पहली बात नाम आप जान लो, उसका नाम होगा लूनर पाथ फाइंडर, और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? 2026 में। तो अनाउंसमेंट इसकी कर दी गई है, आने वाले टाइम में इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा, ठीक? चलते हैं अगली न्यूज के साथ, विच इज रिलेटेड टू एन अवार्ड। ये कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024, राइट? ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है उर्मिला चौधरी जी को। ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं नेपाल से, ठीक है? इन्हें क्यों ये अवार्ड दिया गया? क्योंकि इन्होंने जस्टिस के लिए काम किया, क्योंकि इन्होंने रेसिज्म नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, जिस तरीके से हम काले गोरे का भेदभाव करते हैं, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव करते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, जस्टिस के लिए काम किया, साथ में ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने वर्क किया, इस वजह से इन्हें 2024 का अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड दिया किसने? तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने इस अवार्ड को रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेड दिस अवार्ड, राइट? तो आपको ये अवार्ड किसे दिया गया है ये जरूर याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल ये पूछा जाएगा, राइट? अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेपाल के करेंटली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का क्या नाम है, राइट? आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।